हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हिंदी के अंदर समझेंगे। लेखांकन अवधारणाएं क्या होती हैं, उसी के साथ ही मैं क्षमा भी मांगूंगी कि मैं पंजाबी हूँ तो हिंदी बोलते हुए थोड़ा सा पंजाबी टच भी आएगा, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शुद्ध हिंदी के अंदर ही समझा सकूं। अगर आपको मेरा यह प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो लेखाकार अवधारणा है, इसका मतलब क्या है। देखो, अवधारणा शब्द का प्रयोग होता है कि जो तथ्य हमने स्वीकार कर लिए हैं, जो पूर्व धारणाएं हैं जिनके ऊपर हमारा अकाउंट्स बेस्ड होता है, इनको हम स्वय सिद्धि भी कह सकते हैं। देखो, ये आवश्यक कल्पनाएं तथा शर्तें होती हैं जिन पे हमारा अकाउंट्स बेस्ड होता है और जिसके अंतर्गत अकाउंट्स का काम होता है। देखो, ये जो स्व सिद्धि आधारभूत परिकल्पनाएं होती हैं जिनके ऊपर हमारे अकाउंट्स के सिद्धांत बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लेखांकन अवधारणाएं यूज करते हैं तो ये हमें दिशा निर्देश प्रदान करती है कि हमें अकाउंट्स को इस तरह से, जो है अकाउंट्स के अंदर हमने इस तरह से इन सारी चीजों का पालन करना है। देखो, मौलिक लेखांकन धारणाएं वो धारणाएं होती हैं जिनका जब हम वार्षिक खाते की तैयारी करते हैं तो उनका पालन हम करते हैं, तो उसके तहत हम जितने भी अकाउंट्स के साथ ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के हिसाब से हम उनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये संस्थाएं किसी भी मौलिक लेखांकन का धारणा का, जब कोई संस्था जो अकाउंटिंग कंसेप्ट मौलिक लेखांकन अवधारणा का पालना नहीं करती तो उन्हें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर बताना होगा कि कौन सी अवधारणा का उन्होंने पालना नहीं किया। अब हम देखते हैं कि ये धारणाएं हम क्यों यूज करते हैं। देखो, जब हम वित्तीय खाता तैयार करते हैं तो उसके पीछे जो होता है कि जो व्यवसाय है उसकी सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत हो, जो हमारा लाभ और हानि खाता है वो हमें बताए कि कितना हमें लाभ हुआ है, कितना हमें हानि हुआ है, जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमें एक जो निश्चित तिथि है उस पर बताए कि कितनी हमारे पास संपत्ति है, कितने हमारे दायित्व है, हमारी जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में विवरण है। जब हम अवधारणाओं को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि व्यवसाय की सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत होती है। देखो, यहाँ पे होता है कि जो हमारे खाते हैं, क्योंकि जब हमने जब हम खाते तैयार करते हैं, अगर हम इन अवधारणाओं को यूज करते हैं तो उसके अंदर होता है कि जो व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनको सही तरीके से प्रस्तुत करें, सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण के प्रयोग का समर्थन करने के लिए लेखाकार ने कुछ अवधारणाएं तथा परंपराओं को अपनाया है। तो ये हमें ये चीज करने में मदद करती है कि जो लेखाकार जानकारी है ये सही है और निष्पक्ष है। तो हमारी पहले जो लेखाकार अवधारणा है वो है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, के जो व्यवसाय है और जो व्यवसाय का ऑनर है वो दोनों अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब हम लेखांकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसाय और उसके मालिक को अलग अलग इकाई माना जाता है। देखो, जब हम अकाउंट्स के अंदर सिर्फ व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन होता है उसको दर्ज करते हैं, जो व्यक्तिगत लेन देन होता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे राम ने अपना बिजनेस शुरू किया तो राम का जो बिजनेस है वो राम से अलग है। अगर राम ने अपने घर का बिजली का बिल पे किया, अपने बच्चों की ट्यूशन फी दी है, तो वो उसका अपना पर्सनल खर्चा है, वो बिजनेस के अंदर जो है उसको रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता। तो ये अवधारणा सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन के लिए लागू है, चाहे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है। यदि मालिक अपने निजी खर्चों के लिए पैसा निकालता है तो इसे आवरण ड्राइंग माना जाता है। अगर वो बिजनेस के अंदर पैसा या कोई चीज लेके आता है तो उसे पूंजी माना जाता है और ये व्यवसाय के लिए दायित्व होती है।
पूंजी प्लस देनदारियां इज इक्वल टू संपत्ति, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसके बाद जो दूसरी अवधारणा है, चालू व्यवसाय अवधारणा, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, ये माना जाता है कि जब हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो ये लंबे समय तक चलेगा, ये निकट भविष्य में बंद नहीं होगा। अगर वो निकट भविष्य में बंद होने की संभावना हो तो कोई हमारे साथ जो है एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पूंजी है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है, उसके अंदर हम अंतर कर सकते हैं। देखो, पूंजीगत व्यय होता है कि जो खर्च तो आज किया जाता है बट इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। जैसे हम फिक्स्ड अचल संपत्ति खरीदते हैं, मशीनरी खरीदी है, तो उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा। राजस्व व्यय जो होता है, ये होता है कि उसी अवधि के अंदर उसका उपयोग हो जाता है। जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, जब चीजें बन गई तो रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज हो जाएगा, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, जो फिक्स एसेट होती है, अचल संपत्तियां होती हैं, उनको मूल लागत जितने में खरीदा है उतने में दर्ज किया जाता है और हर साल उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है। अचल संपत्तियों को मूल लागत पर दर्ज किया जाता है और जो संपत्ति होती है उसका बाजार मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाता। और यहाँ भी क्या होता है कि उसको जिस राशि से हमने, जैसे मान लो कोई एसेट हमने खरीदा है 10,000 से खरीदा है, तो उसको 10,000 से रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल उसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम उसका बाजार मूल्य नहीं देखते, हम उसकी जो हमने लागत पे खरीदा होता है और उसके अंदर से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है। क्योंकि देखो, जो फिक्स एसेट है वो व्यापार चलाने के लिए खरीदे जाते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते। और जो फिक्स एसेट होते हैं उनका जो डेप्रिसिएशन होता है वो थोड़े समय के बजाय उनके उपयोगी जीवन के दौरान किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो एसेट होती है उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, लागत पे रिकॉर्ड करते हैं, हर साल उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन जो मूल्यह्रास होता है वो माइनस करते जाते हैं। मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब देखो, जब हम अकाउंट्स करते हैं तो जिन लेन देन को हम धन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें ही खातों की पुस्तक में दर्ज किया जा सकता है, और जिस चीज को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम जो है खातों की पुस्तक में दर्ज नहीं करते। देखो, जब हम लेन देन का रिकॉर्ड जो होता है भौतिक इकाइयों में नहीं मौद्रिक इकाइयों में किया जाता है। देखो, लेन देन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के अंदर जो है मुद्रा के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। देखो, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास 20 मेजे हैं, 10 कुर्सियां हैं, 20 टेबल है, तो ये हमारे लिए, हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पहले हमें इनको मुद्रा में जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 90,000 का फर्नीचर है तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। केवल वही लेन देन जिनको मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें खातों की पुस्तक में दर्ज किया जाता है। तो कुछ जो विनिमय जो खरीद और बेच होती है उसके अंदर मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इवन कल को अगर हमने जैसे कोई चीज खरीदी है लेकिन उसका भुगतान हमने फ्यूचर में करना है, जिसको हम विलंबित भुगतान है, क्योंकि वो भी हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, जिसमें धन के विभिन्न रूपों को मापन किया जा सकता है। जैसे हेट्रोजीनियस गुड्स होती है, जैसे टेबल है, फर्नीचर है, क्लोथ है, तो विजातीय तत्व को आसानी से हम मुद्रिक मॉल के अंदर जो है व्यक्त कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स के अंदर उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेखा विधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब देखो, ये बिजनेस जो है हमारा लंबे समय तक चलेगा, तो लंबे समय के बाद हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो किसी भी जो उद्यम के जीवन को छोटी छोटी अवधियों, ये एक साल के अंदर विभाजित किया जाता है ताकि प्रदर्शन को हम नियमित रूप से माप सके। एक समय अवधि के अंदर व्यवसाय जो होता है अपने परिणामों का दिखाता है। देखो, जैसे व्यवसाय जो होता है अपने परिणाम दिखाना चाहता है, तो उसके क्या होता है कि उसका जो है लेखा विधि अवधारणा को अडॉप्ट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि व्यवसाय को आर्थिक जीवन की जो अवधिक अंतरालों में विभाजित किया जाता है,
देखो कैलेंडर वर्ष भी होता है, इसकी अवधि 1 साल की होती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है, या वित्तीय वर्ष हो सकता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस अवधारणा का मतलब यह है कि वित्तीय अवधि के अंत में हमें यह पता चलता है कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, और उसी तरह ही हम वित्तीय विवरण यानी आय विवरण तथा बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और उसी तरह इस अवधारणा के उपयोग के लिए ये भी जरूरी है कि पूंजी और राजस्व व्यय के बीच में अंतर बताया जाए। ये अवधारणा जो है एक्रू कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब होता है कि जैसे हमने कोई खर्चा जो है, मतलब चीज, जैसे हमने कोई चीज खरीदी है लेकिन उसका भुगतान हमने बाद में करना है, तो उसको इसी करंट ईयर के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया, चाहे उसको हमने पे किया है चाहे नहीं किया, लेकिन वो ड्यू हो गई है तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है। और उसी तरह देखो जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो कॉस्ट होती है उसको हम रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं। आगम खाता तैयार किया जाता है जिससे हमें लाभ और हानि के बारे में पता चलता है, तो हमें बताता है कि जो उक्त अवधि होती है चाहे वो कैलेंडर ईयर है चाहे वो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर हमें कितना लाभ हुआ या हानि हुई है। और उसी तरह यहाँ पे जो हम उस अवधि के अंदर लाभ प्राप्त होता है जो अंशधारी है उसको हम डिविडेंड देते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं। उसी तरह निश्चित तिथि पर आर्थिक चिट्ठी को तैयार किया जाता है जो हमें उक्त तिथि को बताता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी दायित्व है, तो ये हमारी वित्तीय शक्ति के बारे में बताता है। लागत अवधारणा, देखो यहाँ पे जब हम व्यवसाय के लिए संपत्ति या साधन खरीदते हैं तो उनको भुगतान के लिए हम पैसा देते हैं, मुद्रा देते हैं, तो ये जो जो भी वैल्यू पे हमने पर संपत्ति या साधन खरीदे हैं उनको लागत मूल्य से किताबों में दर्ज किया जाता है। और उसी तरह ये लागत बाद की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का जो लेखांकन होता है उसका आधार बन जाती है। कुछ जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसको उसकी लागत पे दर्ज किया जाता है, लेकिन हर साल उसका जो है डेप्रिसिएशन होती है, उसका बाजार मूल्य हम नहीं देखते। जैसे हमने कोई एसेट 10,000 में खरीदा है तो उसको लागत पे कर दिया और अगले साल उसकी जो डेप्रिसिएशन है 10% से है तो 1,000 रुपया उसमें से कम हो जाएगा। देखो जो संपत्तियां होती हैं उनको बुक वैल्यू के ऊपर दिखाया जाता है, बाजार मूल्य नहीं दिखाया जाता। उसी तरह हम देखते हैं एक्रुअल कंसेप्ट, इसका मतलब होता है कि आगम को हम कब पहचानते हैं, जब उसकी वसूली हो जाती है भले ही नकदी प्राप्त हुई हो या नहीं। देखो खर्चों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वो अर्जित हो जाते हैं, चाहे हमने नगद भुगतान किया है या नहीं किया है। उसी तरह अगर हमें इनकम जो होती है उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वो अर्जित हो जाती है, चाहे उसका भुगतान हमें मिला है या नहीं है। आगम होती है इनकम, लागत को उस रूप में पहचाना जाएंगे कि वो अर्जित या खर्च किए गए हैं, प्राप्त और भुगतान किए गए मौद्रिक के साथ नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने माल बेचा 40,000 का, उसको 20,000 कैश तुरंत मिल जाता है और 20,000 अगले साल मिलना है, तो इस साल का जो सेल है वो 40,000 का माना जाएगा, 20,000 का नहीं माना जाएगा। लागत तथा आगम की अनुरूपता अवधारणा, इसका मतलब होता है कि जो भी हम खर्चा करते हैं उससे हमें आय कितनी प्राप्त होगी उसके साथ उसको जो है मैच करते हैं, क्योंकि तो अगर हमारी लागत जो है आगम से कम है तो हमें लाभ है, अगर हमारी लागत आगम से ज्यादा है तो हमें हानि है। लेखांकन अवधि के लिए सही लाभ या हानि निर्धारित करने के लिए उस अवधि के आगम का उस अवधि के खर्चे के साथ मिलाना जरूरी है। किसी अवधि के दौरान बिजनेस के द्वारा अर्जित लाभ को तभी सही ढंग से माप सकते हैं जब हम देख सकते हैं कि उस अवधि के अंदर हमें अर्जित आगम क्या थी और हमने खर्चा कितना किया था। अगर हमारा आगम जो है खर्चों से ज्यादा है तो हम कहते हैं हमें लाभ है, अगर हमारा आगम जो है खर्चों से कम है तो हम कहते हैं कि ये जो है हानि है। भुगतान कब किया गया या प्राप्त किया गया भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है डिविडेंड
न्यू बेसिस पे उनको रिकॉर्ड करते हैं। देखो इसका उद्देश्य होता है समय समय पर लाभ सुनिश्चित करना है। जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, प्रीपेड खर्चे हैं, तो उनके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये अवधारणा उस सीमा को तय करती है जिसके लिए प्रदर्शन को मापा जाता है। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है, तो उस दौरान देखते हैं कि हमारे खर्चे कितने हैं, चाहे हमने भुगतान किया या नहीं किया, बट अगर वो उस अवधि के हैं तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह वो वित्तीय वर्ष के साथ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। देखो जब हम सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हैं तो इसके लिए हमें मैचिंग कंसेप्ट जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है। वसूली अवधारणा, वसूली अवधारणा जो है आगम की वसूली से संबंधित है। उत्पादों की बिक्री या सेवा अर्पित करके आगम की वसूली की जाती है। देखो जब हम उत्पाद की बिक्री करते हैं तो उसके अंदर कई स्टेजेस होती हैं, जैसे हमें ऑर्डर मिलता है, फिर माल का उत्पादन करते हैं, फिर माल को बेचते हैं, तथा मुद्रा की प्राप्त होती है। तब हमने आगम कब माना है, जब हमें आदेश प्राप्त हुआ है या जब हमने माल का उत्पादन किया है। देखो जब माल की बिक्री संपन्न हो जाती है अथवा सेवा ठेकों की स्थिति में सेवा का निष्पादन पूरा हो जाता है तो उस वक्त मानते हैं। देखो यहाँ पे होता है कि जब माल का स्वामित्व हस्तांतरण हो जाता है तब हम मानते हैं कि हमें आगम प्राप्त हुआ है और अकाउंट्स के अंदर हमने उस डेट को लिखना होता है। जैसे 20 जून 2016 को कुछ वस्तुओं की पूर्ति के लिए भी को ऑर्डर देता है तो अनुबंध जो है 25 अगस्त 2016 को होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑनरशिप है वो एको ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ए जो है उसका भुगतान 30 दिसंबर 2016 को करता है। तो आगम जो है हमारा 25 अगस्त 2016 को मान्यता प्रदान है, उस दिन हम अकाउंट्स के बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। द्विपक्षीय अवधारणा, इसका अर्थ होता है दो, हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट। जैसे आपने एक समोसा खरीदा तो दुकानदार के पास से समोसा चला गया और पैसे आ गए, उसी तरह आपसे आपने समोसा खरीदा और पैसे चले गए। तो हर एक जो लेन देन होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट आता है क्रेडिट, एक आता है एक जाता है, तो प्रत्येक डेबिट के लिए उतना ही क्रेडिट होता है। उसी तरह हम कह सकते हैं पूंजी प्लस देनदारियां इज इक्वल टू संपत्ति, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, या एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उसी तरह जो संपत्ति होती है वो इक्विटी के बराबर होती है। इक्विटी का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति की इक्विटी, जो बाहरी व्यक्तियों की देनदारियां हैं, और कैपिटल जो होती है वो जो मालिक की इक्विटी होती है, जो हमने उसके जो ऑनर होता है बिजनेस उसको देनी होती है, तो ये इंटरनल देनदारियां होती है। तो इसी के साथ ही हम बाकी जो है वो कल करेंगे।